पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हमारा ये जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी तैयार करने जा रही है, उसकी हमारी अब तक कमेटी की 3 मीटिंग हो चुकी हैं और बेंच चल रही हैं, पेटियों में सुझाव मांग रहे हैं, जनता में घूम रही हैं, हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में जा रही हैं, वहाँ से जनता के सुझाव ले रही हैं। और जहाँ जहाँ शहरों में हमारी जो कमेटी है, जैसे मैं आया हूँ, ऐसी और सदस्य भी अलग अलग शहरों में जाकर के सीधा भी जनता से संवाद कर रहे हैं। हमारे व्यापार मंडल के लोग हों, एक्सपोर्टर्स हों, डॉक्टर्स हों, एडवोकेट्स हों या टीचर्स हों, सभी या किसान भाई हों, सभी वर्गों से आने वाले जितने भी सुझाव आ रहे हैं उन सबको संकलित करके वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। और जो अगली कमेटी की मीटिंग होगी उसमें से जो संकल्प पत्र तैयार होगा उसको हमारी पार्टी जो संकल्प पत्र तैयार करेगी उसे लागू भी करेगी, क्योंकि हमारा पिछला रिकॉर्ड रहा है, जो कहा वो किया। योगी जी की सरकार ने जो पिछला संकल्प पत्र हमारा आया था, पहली ऐसी पार्टी है इसीलिए हमने जो अब जनविश्वास यात्रा इसीलिए चलाई, कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जो विश्वास जनविश्वास यात्रा चलाती हो, कि जो हमने कहा था वो किया। यदि 84 लाख किसानों का 36,000 करोड़ हमने माफ करने को कहा था तो कर दिया, यूपीए की तरह नहीं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में धक्के खा रहे बेचारे किसान। या हमने कहा था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, एक भी आरोप किसी भी मंत्रालय पे घोटाले का नहीं है और गुंडे ही खत्म हो गई है। गुंडा करने वाले या तो जेल के अंदर हैं या वो खत्म हो गए हैं। तो पूरा के पूरे संकल्प पत्र को लेकर के सरकार ने 5 साल 4 साढ़े 4 साल काम किया है, उस पर काम किया है और उसका 90% से ऊपर पूरा हो चुका है। किस तरह के सुझाव रहे हैं, किस तरह के सुझाव आए? अभी सुझाव आए हैं, कुछ स्थानीय आए हैं, कुछ किसानों के आए हैं और कुछ बिजली के के लिए आए हैं। जो भी सुझाव आए हैं उन सबको हमने लिया है, जो लिखित भी आएगा उसे भी लेंगे, वहाँ तक पहुँचाने का काम। एक मेरा राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके सपने में आजकल श्री कृष्ण आने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि समाजवादी की सरकार बनने वाली है। अखिलेश जी क्या कहते हैं, कब जब कोरोना की वैक्सीन आ रही थी तो कहा था भाई वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि ये तो भाजपा की वैक्सीन है। फिर वैक्सीन भी लगवाई उन्होंने, उनके पिताजी ने भी लगवाई। और उसके बाद अभी एक दिन बयान पढ़ रहे थे, वो जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से कर रहे थे। जिन्ना जिन्होंने भारत को तोड़कर पाकिस्तान को अलग बनाने का काम किया, सरदार पटेल वो हैं जिन्होंने 565 रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। तो एक भारत को जोड़ने वाले नेता से जिन्ना की तुलना करना ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और वो इस सपने जो देख रहे हैं ये सपने ही रह जाएंगे। पिछली बार भी वो इसी तरह कहते थे कि हम 2/3 मेजोरिटी से आ रहे हैं और मिलकर भी लड़े थे सब, तो पिछली बार भी उनका परिणाम सामने आ गया। इस बार पहले से भी अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आने वाली। पैंगोंग झील को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मैं अभी यही कह रहा था, यदि चीन अपनी सीमा में झंडा फहरा रहा है और झूठा प्रचार करने का काम कर रहा है तो हमारे विपक्ष वाले साथ खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने जब आतंकवादी घटना इंडिया में की थी, उरी में की हो या पठानकोट की हो, तो सारे विपक्ष के लोग मिलिट्री से, हमारी सेना से सबूत मांगने लगे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है क्या, एयर स्ट्राइक हुआ है क्या। वहाँ का मंत्री तो वहाँ की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की खड़े होकर कह रहा है हमें मारा है, हमारे यहाँ किया है, और हमारे विपक्ष वाले सबूत मांग रहे थे। इसी तरह से ये चोरी चोरी चीन के राजदूत से जाके मिलते हैं वहाँ, और जब राजदूत कहता है कि हाँ मिले तब कहते हैं, वरना तो कह रहे मैं मिला ही नहीं। वहाँ से फंडिंग लेते हैं अपने एनजीओ के लिए और चीन की भाषा बोलते हैं। चीन जो झूठा प्रचार कर रहा है उसमें शामिल होकर, मैं यही कह रहा हूँ, मोदी जी के खिलाफ बोलते बोलते ये देश के खिलाफ हो रहे हैं। अच्छा एक सवाल है मेरा, बरेली में प्रियंका गांधी ने एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को लेकर एक मैराथन दौड़ निकाली की थी, उसमें भगदड़ मच गई, उसमें बच्चियाँ घायल हो गई, क्या कहना है, पर क्या सुझाव है? देखिए ऐसा है, अब प्रियंका जी क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं ये उनका काम है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि वो
ये भी कहती हैं हम महिलाओं को इतना आरक्षण देंगे, ये करा रहे। भाई 60 साल से तुम्हारा राज था, क्यों नहीं दिया 60 साल से महिलाओं को? यदि उनका मिला हुआ होता तो अब जरूरत ही नहीं पड़ती 60 साल। अब तो उनको मालूम है उनका राज ही नहीं है, ना आने वाला है आगे, तो कुछ हो जाओ वो। अच्छा, मुरादाबाद के एक सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन, उन्होंने भी योगी जी की जो सोच है वो जिन्ना की सोच के मुताबिक बताई है। उन्होंने कहा कि जैसा वो सोचते थे ऐसे ही। क्यों जिन्ना की सोच के बराबर बताइए? योगी जी तो साफ कहते हैं यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। जितनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्या हम जाति के आधार पर दे रहे हैं वो? यहाँ हमारी ये उज्ज्वला गैस योजना है, क्या जाति के आधार पर दी जा रही है? 1.5 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में 1,67,00,000 को मिला है, तो क्या ये जाति के आधार पर मिला है? जितनी योजनाएं हैं उन सब का लाभ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो या मुख्यमंत्री की ये श्रम कार्ड योजना हो, सबको मिल रहा है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सबको मिल रहा है, कुछ नहीं। हाँ, एक बात वो ज़रूर कहते हैं, जिस तरह मुसलमान को, सिख को, बौद्ध को, सबको अपने धर्मों का अधिकार है, ऐसे ही हिंदू को भी अधिकार है। तुष्टिकरण किसी का नहीं, और सर्वधर्म संभव तुष्टिकरण किसी का नहीं। अब तक तुष्टिकरण होता आया था। एक मेरा अंतिम सवाल, मुरादाबाद में भाजपा नेताओं पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन्हीं के साथ में पुलिस के लोग भाजपा नेताओं के साथ में मारपीट कर रहे हैं, लगातार इस तरह की वीडियो आ रही है। उसके बावजूद भी बहुत सारे भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर लगातार कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं। क्या लगता है 2022 के इलेक्शन पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, मेरी जानकारी में ये नहीं है। अगर ऐसा होता है, हमारे स्थानीय विधायक हैं, इनकी जानकारी में होगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ना, वो बहुत ही अनुशासित हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारों के आधार पर पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उस विचारों को ही लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, किसी लालच या उसके वशीभूत नहीं है। मुझे पूरी आशा है कुछ किसी की थोड़ी घनी शिकायत भी होंगी तो चुनाव में सब एक साथ काम करेंगे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।